हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कौन कौन लोग आ गए हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि नाउ इट्स योर ड्यूटी कि कैसे इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, बिकॉज़ हम लोग हर दिन इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जितने भी लोगों को स्टार्ट करना है डिस्कशन, जल्द से जल्द आ जाएं। कौन कौन आ गया है जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, प्लीज़ राइट योर नेम। कौन कौन है? शुभम, रेनू, प्रभाकर, प्रखर, ओके वेरी नाइस। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आएँ और उनको बताएं इसके बारे में। तो इस वीडियो का लिंक जो मैं आपको शेयर करती हूँ उसको आप शेयर कर सकते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कह सकते हैं। हाय आंचल, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो विशु, थोड़ा सा टाइम पर आना है आज, हालांकि मैं लेट हो गई 2-3 मिनट, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आप लोग भी टाइम पर आ जाएंगे। 11:15 जो हमारा आइडियल टाइम है हम उस पर ही रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और जैसा कि एज ऑलवेज हम स्टार्ट करते हैं कोटेशन से आज। ओके, 4 दिसंबर है, सभी को क्लियर है ना? कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चलते जाए उसको लिखते जाना है कॉपी में। तो कौन कौन है? धीरज, और ये लोग नहीं आए हैं अभी, सलोनी, धीरज, ओके। जो भी लोग ज्वाइन करते हैं डिस्कशन को टाइम पर ज्वाइन किया कीजिए, ओके, इससे ज़्यादा तालमेल रहेगा हमारे बीच में। सो कोटेशन आज का है, ये दिख तो रहा है आप लोगों को स्क्रीन, थोड़ा सा फॉन्ट का कलर गड़बड़ हो सकता है आज, उसके लिए मैं कल से ठीक कर दूंगी इसको, बट देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये कोटेशन मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, हमने ये सब डिस्कस पहले किया हुआ है इन कोटेशंस को, बट मैं इसको दोबारा से इंक्लूड क्यों कर रही हूँ, सो दैट याद हो जाए। हेलो विश्वनाथ, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टाइम पर आ जाएं आगे से। सो 14% का पार्टिसिपेशन है जीडीपी में, प्रभाकर, अच्छा वेरी गुड, आप आज बता रहे हैं आंसर, वेरी नाइस। तो ये सब फैक्ट डाटा हमें याद होना चाहिए, है ना? तो आप लोगों को खुद भी समझ आ रहा होगा कितना फ़ायदा है जब हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ये जो फैक्ट जिसे आप लोग शायद ही भूलेंगे कि क्या पार्टिसिपेशन कितना है जीडीपी में एग्रीकल्चर का या सेकेंडरी सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट में क्या पार्टिसिपेशन है, तो ये सब हमें याद हो जाएगा इस डिस्कशन के साथ साथ। फाइन, तो देखिए ये वाला कोटेशन आप लोग फटाफट याद कीजिए, आप लोगों को याद भी होगा। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ इन कोटेशंस को, सो दैट हमें याद हो जाए, रिवीजन होता रहे, ताकि अगर लिखना हो ऐसे तो सोचना ना पड़े, फटाफट से अगर एजुकेशन है तो दिमाग में आ जाए, नेल्सन मंडेला का नाम याद आ जाए, लिख दें, स्टार्टिंग कर दें एटलीस्ट, ठीक है? सो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। आज देखिए हम लोग बैकग्राउंडर में क्या क्या देखने वाले हैं। आज अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें जेंडर जस्टिस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको पता है mRNA टेक्नोलॉजी क्या होती है? mRNA टेक्नोलॉजी अगर किसी को पता है तो आप बताएं, नहीं तो अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना, विजिबल है ना पूरा? अभी कौन ऐड हुआ है प्लीज़ अपने बारे में बताते जाइए, जो भी आए गुड मॉर्निंग, या कोई अपना आंसर लिखें, अपना नाम लिखें, सो दैट पता चल जाए कि आप लोग ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पे mRNA टेक्नोलॉजी पर वैक्सीन बनाई जा रही है, उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है, बट हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। एग्रीकल्चर पर फिर से एक आर्टिकल है जो फार्मर का इशू है, वहाँ पे कुछ अलग फैक्ट्स को आज राइटर ने शो किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या फियर है, इन शॉर्ट उसको ही बताया जा रहा है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। हेलो रीमा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम द डिस्कशन, वेरी नाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है प्रखर, ओके वेरी नाइस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, थोड़ा सा वाइब्रेंट सा है, बोर नहीं होंगे आप लोग, है ना? तो देखते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और आपको जैसा मालूम है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा आगे, इन द मिडिल आपको मिलता जाएगा, ठीक है? तो पेशेंट के साथ देखना है डिस्कशन को पूरा। फाइन, फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्यूड जस्टिस। आपने देखा होगा द इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पेज पर साइड में छोटा सा आर्टिकल है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जीएस पेपर 2 से एसोसिएट करेंगे, इवन पेपर 1 में भी इसको आप रख सकते हैं। वुमेन से एसोसिएटेड हम इश्यूज़ की बात करेंगे, बट सोशल जस्टिस में ज़्यादातर ये हमारे काम आएगा। तो क्या कहा जा रहा है आर्टिकल में, ये ध्यान दीजिए। Women belong in all places where decisions are being made, the late American Supreme Court Justice Ruth Bader dictum is a goal of institution in all democratic societies. तो नाउ द थिंग इज़, जब हम बात करते हैं वुमेन की, जब हम बात करते हैं वुमेन के पार्टिसिपेशन की, तो ज़्यादातर जगह पर आपको क्या दिखता है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो वैसे ज़्यादातर देशों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, लेकिन इंडिया में जितना कि डाइवर्स कंट्री है, एक इमर्जिंग और बिग डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक है भारत, उस हिसाब से देखें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा कम है, और उसमें से एक जगह हो जाती है आपकी जुडिशरी। तो ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। राइटर ने ओवरऑल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है कि क्या इश्यूज़ हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके काम आ जाएगा आंसर राइटिंग में। कैसे, जब आप पेपर 4 में आंसर वगैरह लिखते हैं केस स्टडीज़ में, वहाँ आपको हेल्प करेगा। ओके, सो वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन हाईएस्ट जुडिशरी, कितने लोग हैं, क्या आज तक आपको पता है? चलिए मुझे बताइए, येस और नो में कमेंट कीजिएगा कि क्या आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है, क्या कोई वुमेन सीजेआई अभी तक है भारत में? येस और नो आंसर कीजिए कमेंट में फटाफट, येस और नो। सो यहाँ पे वही इशू रेज़ किया गया, और इस इशू को रेज़ करने वाले नन अदर देन हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं इस समय के वेणुगोपाल। अगर आपको नाम नहीं याद, नहीं पता, तो याद रखिएगा के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है राइट नाउ। जो लोग वनडे एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन रेज किया है? क्वेश्चन ये रेज किया है कि वुमेन ओनली कंप्राइज ऑफ 7.2% ऑफ ऑल द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, शुभम प्रभाकर ने कहा है कि नो, बिल्कुल सही बात है, अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। और क्या कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, क्या आपको याद है? उनका नाम लिखिए फटाफट। महिला राष्ट्रपति इन इंडिया कितनी बनी हैं, उनका नाम अगर आपको याद हो, कितनी महिला हैं जो अभी तक राष्ट्रपति बनी हैं भारत में? बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा नाम, कमेंट में लिखिए फटाफट। तो आप देख पा रहे हैं क्या पार्टिसिपेशन है वुमेन का। आपको दिखता है कि कहीं अभी तक एक भी अगर महिला सीजेआई नहीं बनी है। दूसरा 7.2% है सिर्फ। अगर आप वुमेन की बात करें कि कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो ये डाटा शो कर रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं? क्या अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस लेवल तक नहीं पहुंचा है? क्या इसमें जो हमारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहां तक नहीं पहुंची है? बिल्कुल, प्रतिभा पाटिल आंसर लिखा है। क्या बाकी लोगों को नहीं पता? क्या इतने सारे लोग जो देख रहे हैं डिस्कशन, उनको याद तो होगा ना प्रतिभा पाटिल जी का नाम, कि वो फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट हैं भारत में, और अभी तक मात्र एक महिला राष्ट्रपति जो भारत की हैं। बिल्कुल सभी लोग आंसर कर रहे हैं, सबका आंसर इसमें आना चाहिए। वेरी गुड रेनू, रीमा, आंचल, वेरी नाइस, सभी का आंसर आना चाहिए। आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही बात है विश्वनाथ, आंसर लिखिए आप प्लीज़। आपको जो पूछेंगे उसका आंसर आप लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तो हमें इससे लगता है कि आपको याद आ रहा है कि हाँ इसका नाम कौन है राष्ट्रपति का। मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए या कभी गलती से हमें आंसर लिखना पड़ता है तो वहाँ पर हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए। रेनू ने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर, और एक्चुअली में एकमात्र लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। इसको आप जो भी कह लें, अभी तक कोई महिला फिर से उसके बाद उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या पॉलिटिक्स में इतना आगे नहीं जा पाई, इसको आप जो भी कह सकते हैं। सो नाउ द थिंग इज़, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जुडिशरी की। इसमें देखिए कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन्होंने मुद्दा उठाया है मध्य प्रदेश का, हालांकि मध्य प्रदेश में ही इन्होंने अपना रिमार्क भी सबमिट किया है कि जेंडर जस्टिस को लेकर के कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इनको एक बार रिव्यू करना चाहिए अपने सारे सिस्टम को, कि क्या इशूज़ हैं, क्यों वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है, कैसे आप इनके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। वहाँ पर एक केस जाता है, महिला के साथ एक छेड़खानी का आरोप होता है, और वहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे, टू विजिट द होम ऑफ विक्टिम एंड आस्क हर टू टाई अ राखी। जो यहाँ पे अपराधी था जिसके ऊपर केस किया गया था, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसको जो एक्यूज पर्सन था, जो मैन था, उसको हाई कोर्ट ने वहाँ पर क्या किया, यहाँ पे बेल ग्रांट कर दिया। और बेल ग्रांट करने के बाद कहा कि वुमेन के घर जा करके उनसे राखी बंधवानी है। क्या ये जस्टिस है? क्या ये जस्टिस हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में, इतने बड़े देश में जहाँ पे कि इतना बड़ा संविधान है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, लेंदीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, और इतने अच्छे अच्छे कानून और प्रावधान को लाया गया है। हमारे जो फोरफादर्स हैं उन्होंने इतने अच्छे से उसको बनाया है। क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इस जस्टिस सिस्टम से कि वुमेन को ये कहा जाए कि जो अपराधी है उसको आप राखी बांधो? क्या ये उसके लिए जस्टिस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। ये इस सोसाइटी में मान्य नहीं होगा। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया? हाई कोर्ट के द्वारा किया गया। फिर इस इशू को लेकर के 9 वुमेन लॉयर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं अगेंस्ट द बेल ऑर्डर, और ये जो पूरा इशू वहां पर हुआ इसको लेकर के। और ये यहाँ से ये मुद्दा उठ करके आता है कि आखिर जब हमारा सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है, जो हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है, जो वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है, अगर वो इस तरीके के जजमेंट्स को लेकर के आएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वुमेन्स को प्लेसेस नहीं दिए जाएंगे, उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो हाउ दे विल गेट जस्टिस? कैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? यहाँ पे इन्होंने इस इशू को रेज़ किया है। इसके बाद कई सारे ऐसे वायलेंस के केसेस आपने देखे हैं। इसी सारा को 2012 से उठा करके आप देखिए, पूरी हिस्ट्री को याद है 2012 के केस, बाकी लोगों को याद आ गया होगा 2012 में कितना बड़ा भयानक केस हुआ दिल्ली में। उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने आंदोलन किया, उस समय सारा मामला बिल्कुल पीक पर था। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बदलाव होगा। उसके बाद नो डाउट बहुत हद तक बदलाव हुआ भी, लेकिन व्हाट वी नीड द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ द थिंग्स, कि जिससे एक्चुअली में जस्टिस मिलना चाहिए। जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की हम बात करते हैं, और यहाँ पे जजेस की के इन टर्म्स में बात की जा रही है। अटॉर्नी जनरल हैज़ कॉल्ड फॉर द जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ जजेस एंड लॉयर टू अवॉइड जजमेंट विच गेट टैंगल्ड इन द पैट्रियार्कल नोशन। जो पैट्रियार्कल नोशन है आज इंडिया में, क्या ये जुडिशरी में भी है? तो एक केस आपको और याद आ गया होगा, जब हम बात ये कर रहे हैं, जुडिशरी की कर रहे हैं और पैट्रियार्कल माइंडसेट की कर रहे हैं, तो एक केस जो अभी जस्ट कुछ दिनों पहले काफ़ी न्यूज़ में था, जब हमारे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब थे, उस समय में वो केस काफ़ी उठ कर के आया था। और उसमें हमने क्या देखा था कि जो जिस महिला ने आरोप लगाया था, उस महिला के खिलाफ जो पूरी बेंच बनी थी, उसमें खुद गोगोई साहब भी थे, जो बिल्कुल इस पूरे जो कानून है उसके खिलाफ है कि जो आरोपी है अगर वही उस पूरी कमेटी में रहेगा तो फिर क्या होगा, राइट? तो यहाँ पर मैम इनडायरेक्ट वे में कोर्ट का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जो अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर हम खुल करके बोल सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट में हम नाम वहाँ पर नहीं ले सकते हैं, बट आप किसी केस का रेफरेंस दे सकते हैं। आप ये कि कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि चाहे भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, वो महिला के साथ जस्टिस ना करे। ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपके दिमाग में कुछ एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वेदर इट इज़ वुमन, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, इनको लेकर के जो जस्टिस है वो 100% इंश्योर किया जाना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरीके का मिलावट बर्दाश्त नहीं है, संविधान के हिसाब से भी, राइट? तो हम उसकी बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आप कोई भी इस तरीके का कानून नहीं ला सकते जो वुमेन के प्रोटेक्शन में ना आता हो और उनको प्रोटेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको उस तरीके से आंसर राइटिंग में करनी है, आपको चीज़ों को लिखना है, केसेस का एग्जाम्पल देना है, कौन कौन से केसेस जब हाई कोर्ट का है तो बिल्कुल ये एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इस तरीके का जजमेंट कैसे दे सकते हो। ये बिल्कुल बताता है कि कितना एक तरीके से इनह्यूमन हो सकता है, या ये दिखाता है कि कैसे सेंसिटिव नहीं है सोसाइटी अभी भी, इस दौर में भी वुमेन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को बिल्कुल कोट कर सकते हैं, आप फैक्ट एंड डाटा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप फिलोसफिकल वे में आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ पे ये अपनी ज्ञान भरी बातें नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको ये कहना होगा कि जो सुप्रीम जो केसेस हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी जुडिशरी में एक पैट्रियार्कल एटीट्यूड है और उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत होनी चाहिए। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट है, बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रिफॉर्म की आवश्यकता है, आपको वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। जब आप पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, चाहे पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए, आप जुडिशरी में पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाइए, चीफ जस्टिस लेकर के आइए जो वुमेन हो, तो अपने आप जो इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी है, वो इम्पोज होगी। ये सारे टर्मोलॉजीज़ हैं जो हमें यूज़ करने हैं आंसर्स में, इंटरव्यूज़ में, कि व्हाट वी नीड टू डू द जेंडर जस्टिस, व्हाट वी कॉल्ड फॉर द जेंडर जस्टिस, राइट। तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ 2012 में, जिस तरीके से हीनियस क्राइम आज भी हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन, उसको कैसे आप काउंटर करेंगे जब तक आप हर जगह पर वुमेन के पार्टिसिपेशंस को नहीं बढ़ाएंगे, एजुकेशन सोसाइटी में नहीं फैलाएंगे, अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, आप सिक्योरिटी को और मजबूत नहीं करेंगे। जैसे कि अभी जो आपका हथरस वाला केस था, उस हथरस वाले केस को भी मैं एज एन एग्जांपल वहाँ पर कोट कर सकते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरीके से हीनियस क्राइम होता है तो वहाँ पे कैसे डील किया जाना चाहिए, ऐसे केसेस को वहाँ पे किस तरीके का आपका जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द केस, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें आपसे केस स्टडी में पूछी जाएंगे, पेपर 4 में चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको याद रखना है, आपको इसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना, इसीलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आप आंसर बिल्कुल बैलेंस वे में लिखें, और आपको बैलेंस वे में आंसर को लिखना है। आर्टिकल में भी यही कहा जा रहा है, जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, वी हैव टू चेंज द सिस्टम, हमें अडॉप्ट करना होगा नए सिस्टम को, हमें रिफॉर्म लाना होगा। जो ऐसे क्राइम होते हैं उसके अगेंस्ट हम कैसे कानून बनाएं, कैसे नंबर ऑफ वुमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, तो इन सारी चीज़ों को हमें आंसर में लिखते हुए लेकर के जाना है। और करंट जो सिनेरियोज़ हैं, करंट जो इवेंट्स हैं, वुमेन के सपोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कानून, अच्छे अच्छे कानून बनाए जा रहे हैं वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सब भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट देखिए। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे नेक्स्ट के बाद। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन हैं, आपको आंसर राइटिंग करनी है। हिंदी में भी क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो भी आंसर लिखेंगे। फाइन, समझ में आया वाला आर्टिकल, चलिए फटाफट बताइए कमेंट में, क्लियर हो गया आर्टिकल, अभी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, क्लियर हुआ येस और नो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। पूरा आर्टिकल समझ में आ गया पिछला वाला, ये आंसर आप लिख सकते हैं। डू यू फाइंड एन अर्जेंट नीड टू स्टार्ट अ मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट ग्रेव जेंडर इनजस्टिस, गिव योर ओपिनियन, लिखा जा सकता है ना, कि आपको गंभीर लैंगिक अन्याय के खिलाफ भारत में एक आंदोलन शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, अपनी राय रखें। ओके, सो फटाफट बताइए, क्लियर हो गया, आई वॉन्ट योर आंसर येस और नो, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो वही बता सकते हैं। ओके, आंचल प्रभाकर लोगों ने कहा, बाकी लोगों को समझ नहीं आया क्या, बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियर नहीं है। ओके, प्रखर का भी आ गया है, सब लोगों का आ गया। चलो फटाफट, नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइम आ गया है, इसके बाद और क्वेश्चंस आएंगे, बट पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये है कि हो तो होलोहन केस किस चीज़ से संबंधित है, जल्दी बताइए। एंटी डिफेक्शन, एंटी कन्वर्जन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर आंसर। कि हो तो होलोहन केस पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इवन मैंने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि हो तो होलोहन केस से संबंधित, जल्दी बताइए कमेंट में। आप अपना कोई भी आंसर लिखिए, मैंने कहा है वो गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं है, आप अपना आंसर लिखिए कि हो तो होलोहन केस आपको क्या लगता है, A, B, C और D कौन सा आंसर होगा। एंटी डिफेक्शन, एंटी कन्वर्जन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जल्दी फटाफट। रुपिंदर कौर, ओके वेरी नाइस, वेलकम यू इन द डिस्कशन। 1 का A एंटी डिफेक्शन आया है, रेनू का भी एंटी डिफेक्शन है, बाकी लोग फटाफट से आंसर कीजिए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, आई नीड योर आंसर वेदर A, B, C और D। विश्वनाथ, क्या है ये मैम क्या है ये, आप आंसर बताओ, A, B और C और D आपके हिसाब से क्या है आंसर, आप A कहना चाह रहे हो, आंसर लिखिए फटाफट। 1 का C बताया है विशु ने, कपिल ने बताया है A, ओके आप 1 का A बता रहे हैं, वेरी नाइस, फटाफट से। चलिए अब मैं अगले टॉपिक पर आती हूँ, आप लोगों ने आंसर दे दिया है। नाउ व्हाट इज़ mRNA, डू यू नो व्हाट इज़ दिस, मैसेंजर RNA, आपने सुना है कभी मैसेंजर RNA का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और क्वेश्चन इससे पक्का पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में आ जाए, मेंस में आ जाए, ये क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है अगली बार आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप UPSC दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर वैक्सीन, इस टेक्नोलॉजी पर डेवलप हो रहा है, और ये लगातार न्यूज़ में था कोरोना वायरस के पेंडेमिक के समय में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। आरएनए डीएनए आपने कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ा हुआ होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ अ जीन। एमआरएनए क्या है? एक आरएनए का वर्जन है, टाइप ऑफ अ जीन है ये। ये क्या करता है? दैट लीव्स द सेल न्यूक्लियस एंड मूव्स इन द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन आर मेड। मैसेंजर का काम क्या होता है? बताइए, मैसेंजर का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। ये मैसेंजर की तरह काम करता है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है और बताता है कि व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें क्या करना है। तो ये मैसेंजर का काम करता है, ओके। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड कॉल द राइबोसोम्स मूव्स अलोंग द आरएनए एंड रीड द बेस सीक्वेंस, यूज द जेनेटिक कोड टू ट्रांसलेट ईच थ्री बेस ट्रिपलेट और द कोडोन इनटू द करस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड्स। तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर के जाता है, बताता है आपको क्या कंपोजिशन करना है, कैसा जीन डेवलप करना है, किस तरीके की एंटीबॉडी बनानी है, और फिर बॉडी उस तरीके से काम करती है, ओके। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है वैक्सीन में। ह्यूमन बॉडी में जो वैक्सीन को के थ्रू जो दवाई पहुंचाई जा रही है वो यही करेगा। कोरोना वायरस के जो SARS-CoV-2 है, ये फैक्ट याद रखिएगा, कोरोना वायरस के चक्कर में ये नहीं भूलना है कि ये SARS-CoV-2 है। क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। तो SARS-CoV-2 के अगेंस्ट कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या पूरा क्रिएशन होगा, उसका काम ये मैसेंजर आरएनए के कॉन्सेप्ट पर जा करके किया जा रहा है, ठीक है। द एमआरएनए इन द केस द कोडेड टू टेल द सेल टू रिक्रिएट द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस। तो स्पाइक प्रोटीन का नाम आप सुनते आ रहे होंगे पूरे कोरोना वायरस के समय में। स्पाइक प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है, जो सर्ज लेकर के आता है और फिर पूरे बॉडी में इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ जाता है। तो कैसे बॉडी को स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करना है, रिक्रिएट करना है, सो दैट कोव-2 को टारगेट कर सकें और उसको हम ख़त्म कर सकें, इन्फेक्शन से लड़ सकें। इसके लिए ये पूरा काम करेगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसी आर्टिकल पर, चलते हैं आगे। और क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, पेशेंस बनाए रखना है, समझ आ रहा है ना सभी लोग? अच्छा, जिसको डिस्कशन अच्छा लग रहा है वो लाइक कीजिए फटाफट। लाइक बहुत कम आए हैं अभी तक, लोग तो कई सारे हैं, बट लाइक कीजिए फटाफट से डिस्कशन को। तो पेपर 2 पेपर 3 दोनों जगह से इसको एसोसिएट करेंगे, बिकॉज इसमें हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की भी करने वाले हैं और वैक्सीन की भी करने वाले हैं, जो आपके हेल्थ में एसोसिएटेड हो जाएगा। तो अभी सब जगह पर यही डिस्कशन डिबेट चल रहा है कि कैसे वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और फर्स्ट राउंड में किनको वैक्सीनेट किया जाएगा। ये सब जगह पे चाइना, रशिया, इंडिया, ये डिस्कशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब 93% एफिशिएंसी को लेकर के जो वैक्सीन है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। ये रिपोर्टेड है बायोटेक का, जो जर्मन फॉर्म है बायोएनटेक ने उसको बनाया है, और 93% एफिशिएंसी इसकी मानी जा रही है। एंड द 10 months पीरियड टेकन बाय द वैक्सीन टू जर्नी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू द रियलिटी इन द रिकॉर्ड। तो अभी ऐसा भी इंडिया में तो ये भी कहा जा रहा है कि अगले जनवरी के बाद से जो वैक्सीन है, या मार्च अप्रैल तक वैक्सीन जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो ये कोई स्पीडी प्रोडक्शन इसका नहीं होगा, बहुत ही जो आराम इसको टाइम लगेगा इसको बनाने में, जो बायोएनटेक प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। एंड द वैक्सीन यूजेज अ नोवेल अप्रोच प्रिपेयरिंग द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कोरोना वायरस से कैसे अटैक को बचाया जाए, उसके लिए काम करेगा। एंड जेनेटिक मटेरियल पर बेस्ड होगा ये, जिसे मैंने अभी शुरू में क्लियर कर दिया आपको। मैसेंजर आरएनए को यूज़ करके इसमें कैसे पूरे सिस्टम को बदला जाएगा, और आगे हम और देखेंगे इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को, ठीक है। एमआरएनए देन वर्क्स लाइक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑफन यूज द एनालॉजी टू दैट द रिसेप्टर इन द आर्म मसल सेल्स मेक द स्पाइक प्रोटीन एंड द कोरोना वायरस लाइफ प्रोसेस। ये पूरा बताया गया कि कैसे ये काम करेगा, जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो किस सिस्टम पर बनाया जा रहा है, और ये कैसे आगे इसका काम प्रोडक्शन होगा, फिर कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, कैसे ये इम्यून सिस्टम को बेटर बनाएगा, ओके। तो ओके, कलर कॉम्बिनेशन जिनको सही नहीं लग रहा है वो बिल्कुल टेंशन ना लें, कलर कॉम्बिनेशन कल से सही रहेगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये चेंज हुआ है, तो अभी मैं इसको कल बिल्कुल ठीक कर दूंगी, ओके। तो आज थोड़ा आप लोग मैनेज कर लें इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ। नाउ इनेबलिंग द ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस रेप्लिकाज ऑफ द पैथोजेंस. तो ये पूरा सिस्टम डिस्कस किया है आर्टिकल ने कि कैसे ये काम करे. अब देखिए ये जो वैक्सीन है ना इसको -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है. तो इसको लेकर के जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऐसा नहीं कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में बाकी जगह पर भी अभी डेवलप्ड नहीं है पूरी तरीके से और इसको लेकर के अभी भी कई सारे ऑब्स्टिकल्स हैं. तो कैसे इन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म किया जाएगा, कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, कैसे लोगों तक वैक्सीन को पहुँचाया जाएगा. इवन कुछ और इश्यूज़ ये हैं कि जो वैक्सीन देंगे इसके लिए लोगों को ट्रेन भी करना पड़ेगा कि यूज़ ऑफ वैक्सीन लोगों को सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा. तो ये सब इस आर्टिकल में कहा गया है. देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फटाफट देखिए. आप जानते हैं इसका नाम आपने सुना है कायापो ट्राइब. कायापो ट्राइब का आपने नाम सुना है, आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होगा फटाफट बताइए. विश्वनाथ, कपिल, विशु, सभी लोग, रेनू, आंचल, सब लोग आंसर बताएं. दो स्टेटमेंट है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली, जल्दी देखिए. कायापो ट्राइब, कायापो ट्राइब ये जिंगू रिवर, जिंगू रिवर किसी ने सुना है कहाँ पर है ये, उनके पास ये रहते हैं और इनके जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर ब्राज़ील में है. क्या आपको लगता है करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, जल्दी बताइए आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा. ए, बी, सी और डी दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या है आपके अकॉर्डिंगली. प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स फास्ट प्लीज़. ओके प्रखर का आंसर है सी, बाकी लोग बताएं. दोनों सही लग रहा है, दोनों गलत लग रहा है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे जो नए लोग हैं, अगर आज कुछ नए लोग आए होंगे तो. यहाँ पे हमने कल ही डिस्कस के बारे में किया था जो नए कानून लाए गए ना 3 एग्रीकल्चर में, जिसको लेकर के पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है. ठीक है, तो आपको पता है कि वो पास हो गया है और उसने बदलाव कर दिया है कि एपीएमसी मार्केट के बाहर भी अब किसान अपना सामान बेच सकते हैं. एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस की बात भी हमने कल की थी बहुत डिटेल में. कुछ फूड आइटम्स, सर्टेन फूड आइटम्स को इसमें बाहर कर दिया गया इसके रेगुलेशन से, सो दैट उसका सप्लाई जो है वो लिमिटलेस किया जा सके, उसको स्टॉक में भी कोई लिमिट ना हो, स्टॉक भी कर सके लोग, और जो प्रॉब्लम्स अराइज होती थी अभी तक एसेंशियल कमोडिटीज़ की वो ना हो जो इसमें आती थी, जो कमोडिटीज़ में आते थे. तो ये मैंने आपको कल बताया था, जो नए हैं उनको पता चल जाएगा. ओके बाकी लोग भी आंसर कीजिए फटाफट, क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा. नाउ लेट पोजिशंस नॉट हार्डन. देखिए इस आर्टिकल में कुछ नई बात है जिसको हम डिस्कस करेंगे. आपको सब कुछ मालूम है क्या चल रहा है, क्या इशू है. 3 एक्ट है, पता है ना, 3 एक्ट जिस पर पूरा मुद्दा टिका हुआ है. डर कल आपको मैंने बता दिया था क्या क्या डर है, वो किसानों को क्या डर है. 2 मेजर डर है, एक तो ये कि अब वो जो MSP वाला कॉन्सेप्ट है वो शायद हट जाएगा. MSP वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा कैसे, क्योंकि मंडी के बाहर अब सामान बेचने को कह दिया गया है, तो प्रोक्योरमेंट हो सकता है कि सरकार नहीं करेगी. तो प्रोक्योरमेंट नहीं होने का एक सबसे बड़ा डर, और दूसरा डर कि उनका इनकम जो है वो यहाँ से जा सकता है. और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि उसका मिसयूज़ बड़ी बड़ी कंपनियां कर लें, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कर लें, और किसानों को इसका नुकसान हो जाए. ठीक है ना, क्लियर है, ये पूरा मुद्दा मालूम है क्या चल रहा है. अब यहाँ पे इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है. लोग अलग अलग जगह पर MLA के घर के बाहर, MP के घर के बाहर, इवन पार्लियामेंट तक पहुँचने की लोग कोशिश कर रहे हैं. आप देख रहे हैं बॉर्डर किस तरीके से बंद है, सील है, और दिल्ली के बॉर्डर्स पर जिस तरीके से जाम वगैरह लगा हुआ है. तो हर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ फार्मर्स के द्वारा नहीं बल्कि जो अदर कमोडिटीज़ हैं, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो संगठन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब देखिए मुद्दा ये है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है अगर वो विड्रॉ कर लेती है, और यहाँ पे जैसे कि अभी बदलाव किए जा रहे हैं, मार्केट को एकदम ओपन कर दिया जा रहा है. तो पहले क्या करती थी, FCI वीट और पैडी को प्रोक्योर कर लेती थी ज़्यादातर, और ख़ास करके पंजाब वाले रीजन में ना सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है, इसलिए वहाँ के किसान जो हैं वो ज़्यादा इसमें अभी आ रहे हैं, इस आंदोलन को ज़्यादा कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. वहीं आपको याद है शांता कुमार कमेटी के बारे में, शांता कुमार कमेटी ने क्या कहा है, डू यू रिमेंबर, कल भी मैंने आपको बताया था. शांता कुमार कमेटी ने DBT को प्रमोट किया है. उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना ज़्यादा सही है रेदर दैन आप MSP प्रोवाइड कीजिए. ठीक है, तो ये पूरा इशू है जिसको अब इसने क्या किया, एक डर पैदा कर दिया और किसानों के अंदर में कि ये तो इस तरीके से तो जो हमारा इनकम है वो इनकम चला जाएगा, और जो किसान, जो सरकार हमें मदद पहुंचाते थे इस मीन्स में कि चलो प्रोक्योरमेंट हो जाएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, अब वो उनको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो राइटर पॉजिटिव साइड फार्मर्स का लेते हुए कह रहे हैं यहाँ पे, और अगेंस्ट है ये सेंटर का कि आपने इस तरीके के जो रूल्स को इम्पोज किया है फार्मर्स के ऊपर, इसको आपको रीचेक करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसे जैसे APMC मार्केट को अबॉलिश किया गया and middleman commissions agent in Bihar did not lead to the better price for farmer who get price far below MSP from traders। तो APMC मंडी में क्या होता था ना, जैसे MSP देखिए एक मान लीजिए दाम तय कर दिया गया कि एक क्विंटल गेहूं आपको 1500 रुपये में बेचना है, इससे कम में आप मत बेचिए नहीं तो सरकार 1500 में तो खरीदेगी ही, तो एक सिक्योरिटी हो जाती है, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि अब APMC मार्केट से बिहार में मान लीजिए ख़त्म कर दिया गया, या अभी सरकार ने बोला कि आप मंडी के बाहर जाके सामान बेच लीजिए। अब बाहर अगर यहाँ पे लोग इसका दाम 1300 लगाते हैं, ठीक है, अब उस मान लीजिए उस राज्य में तो APMC मार्केट है ही नहीं जहाँ पे प्रोक्योरमेंट होगा, तो अब यहाँ पे कोई, अब 1500 जगह एक जगह पर लोगों किसानों को मिल रहा है, दूसरी जगह पर उनको 1300 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, उनका नुकसान हो गया इस एंगल से देखिए तो। वहीं उनके पास इनकम सिक्योरिटी भी नहीं रही, उनको लग रहा है कि यार अगर मैं नहीं बेचता हूँ तो मेरा सामान ख़राब हो जाएगा और फिर मेरा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इस तरीके से उनको कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है। जो सरकार का एंगल है वो क्या है, सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि वो इस पूरे सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, वो किसानों को मदद करने के लिए इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर के आए हैं, और मार्केट ओपन होने से किसानों का फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, पैसे आएंगे इस फील्ड में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ये सरकार का मानना है। और जो आपके किसान हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो डबल इनकम का हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको अचीव कर लेंगे, ऐसा सरकार का मानना है। ओके, अब यहाँ पे राइटर और क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि 1991, अब देखिए इसको आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। राइटर का ये मानना है कि 1991 के बाद फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लॉस हुआ है फार्मर का, ठीक है, बट अगर आप इकोनॉमी की तरफ देखते हैं तो इकोनॉमी में थोड़ा ग्रोथ आया था। और आज अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर को जाकर के देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से जिस तरीके से एग्रीकल्चर में बूम आया है वो इस बात को फिर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हमें लिखना नहीं है, लेकिन जो राइटर कह रहे हैं वो हमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि रूरल एरियाज़ में एजुकेशन और हेल्थ वगैरह का सिस्टम बहुत कोलैप्स हो गया है 1991 के बाद, फार्मर का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी उनको लॉस झेलना पड़ा है, और इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। इससे एनवायरनमेंट भी आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जो क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से डीजल का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, और डीजल के प्राइस बढ़ने पर भी नुकसान किसका हो रहा है, किसान का हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आपने अमेंडमेंट किया है, जिससे कि किसान को लगता है कि अब जो सब्सिडी, जो पावर सब्सिडी आप देते थे, अब आप उसको भी वापस ले लेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप सारे रिफॉर्म को ध्यान से देखेंगे और जो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस को देखेंगे तो आपको बार बार यही बात कही जा रही है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी, पावर सब्सिडी, MSPs, इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा किसानों का नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लेके आना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लेके आना चाहिए, ऐसा शांता कुमार कमेटी का मानना है। इसके बाद RBI की रिपोर्ट में भी ये कहा है, और भी बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ हैं जिनका ये रिकमेंडेशन है, ओके। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा, जो हमने कल के आर्टिकल में भी देखा था, कि एक मिनिमम इनकम सपोर्ट आपको किसानों के लिए जनरेट करना होगा। आप उनको इनसिक्योर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनकी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करते हुए यहाँ पे पूरा ओवरऑल सोचने की ज़रूरत है, ऐसा मानना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सहतूत डैम पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सही जवाब था, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। only 3 इसका राइट आंसर है, C इज़ द राइट आंसर, ओके। कैसे, क्योंकि ये काबुल रिवर पर बनाया जा रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब ये गलत हो गया, काबुल रिवर नेपाल में तो है नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें पता था कि काबुल रिवर पर बन रहा है तो 2 हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, और 2 एलिमिनेट आप करेंगे तो A और B यहाँ पे सीधा हट सकता था। अब पता चल गया कि A भी नहीं, यानी कि C और D होगा, नन ऑफ देम हो सकता है, या 3 ओनली हो सकता है। तो हम अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाएंगे, 3 पर लगाएंगे, कि ये जो डैम है उसको इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसको हम गेस कर सकते थे कि हाँ अफ़गानिस्तान में अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन हो सकता है। अगर हमें नहीं भी पता तब भी हम रिस्क में, अगर 50-50 पर हमें जाना है तो C पर जाया जा सकता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था OIC को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इसमें 3 स्टेटमेंट गिवन थे। अब इसमें अगर आपको तीसरा वाला मालूम है, ठीक है, लास्ट वाला ऑल ऑफ देम ऑप्शन है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, तो इसमें अगर तीसरा वाला आपको पता है कि इंडिया ऑब्जर्वर है कि नहीं है OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसमें याद होगा इंडिया को एज अ गेस्ट बुलाया गया था, तो एज अ गेस्ट बुलाया गया था। ऑब्जर्वर होता तो एज अ गेस्ट क्यों बुलाया जाता। दूसरी चीज़ कि जैसे ही बात यहाँ पे कॉपरेशन बढ़ने लग जाता है इंडिया का OIC के मेंबर कंट्रीज़ के साथ, तो आप देखते हैं कि एक डर पाकिस्तान के मन में क्रिएट होना शुरू हो जाता है और उसको लेकर के डिबेट और डिस्कशन और आर्टिकल्स आने लग जाते हैं, राइट। तो इससे के अकॉर्डिंगली हम गेस कर सकते थे कि इंडिया को इसमें कोई भी मेंबरशिप नहीं है। अगर तीसरा में पता चल जाता है या आपको पता है कि ये गलत है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। A, B एंड D आंसर आपका आ जाएगा। C, तो यहाँ पे क्या है आंसर, C है इसका राइट आंसर, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया। किसी को सिटी का नाम पता है क्या, कौन सी सिटी में है सऊदी अरेबिया में, नाम बताइए फटाफट अगर किसी को मालूम है। OIC का हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में कहाँ पर है? डू यू रिमेंबर एनीवन, किसी को याद है प्लीज़ बताइए, फास्ट आंसर कीजिए अगर किसी को याद है तो। ज़िदा करके है एक जगह, राइट, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, याद रखना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल इतने डिस्कशन के साथ और अच्छे फैक्ट्स के साथ। तो आई रिक्वेस्ट यू, अपने दोस्तों को बताएं, यहाँ पर लेकर के आएँ डिस्कशन में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रखर, रुपिंदर, विश्वनाथ, रेनू, प्रभाकर, सभी लोग प्लीज़ और लोगों को लेकर के आएँ, अपने दोस्तों को बताएं कि डिस्कशन है, उनमें काफ़ी फ़ायदा होगा उनका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और सभी लोग शेयर करेंगे तो व्यूज़ ज़रूर बढ़ेगा। थैंक यू।